हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको फ्रंट के साथ साथ लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट टर्निंग के टाइम में किस तरह से हमें लेना चाहिए और किस तरह से एकदम पास वाली जो लोकेशन है जिसमें आप मार्केट में ड्राइव करें या नैरो रोड में कहीं ड्राइव करें जहां आपके कार के एकदम पास में कोई खड़ा है आगे में, तो आप उसका जजमेंट कैसे लगाएंगे उसके बारे में ये कंप्लीट वीडियो करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको जजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी तरह से मिल जाएगी। नैरो रोड में आप देख सकते हैं कितनी नैरो रोड में मैं ड्राइव करने वाला हूँ। यहाँ पे साइकिल, बाइक हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, बस हो और प्राइवेट कार्स हो, सब यहाँ पे ड्राइव करते हैं या दिखेंगे। और उसके बीच में मैं जजमेंट करते हुए अपनी कार को निकालने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कम्प्लीटली जजमेंट से रिलेटेड होने वाली है जिसमें ओवरऑल जजमेंट आपका लेफ्ट साइड राइट साइड का, टर्निंग में, फ्रंट जजमेंट और एकदम पास में कोई कार या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या कोई वॉल भी है जैसे अभी मैं खड़ा किया हूँ, तो उसका भी जजमेंट किस तरह से करना है उसके बारे में कम्प्लीट वीडियो है। फ्रेंड्स, वीडियो स्किप ना करें, पूरी देखें, इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से मिलेगी आपको। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू फ्रेंड्स 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए चैनल में। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले आपको एक जजमेंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिस जो है, या न्यू ड्राइवर्स के लिए कह सकते हैं, जो कि एक मार्किंग अपने डैशबोर्ड में आपको एक मार्किंग करेंगे जिससे आपका परफेक्ट जजमेंट हो जाएगा। तो वो मार्किंग कैसे करनी है उसके बारे में सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, उसमें हो सकता है 2-3 मिनट लगे। उसके बाद मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा नैरो रोड में और आपको जजमेंट दिखाऊंगा कितनी डिस्टेंस में हमें कार को निकालना चाहिए, कितनी स्पेस होनी चाहिए रोड में जिसमें कार निकाल सकेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं इंस्टॉलेशन कर देता हूं। फ्रेंड्स, आप ये देखिए रेड टेप है मेरे पास, ये कहां कहां इंस्टॉल कर रहा हूं आपको बता देता हूं किस तरह से इंस्टॉल करने वाला हूं। सबसे पहला इंस्टॉलेशन मैं लेफ्ट साइड का जजमेंट का करूंगा। लेफ्ट साइड के जजमेंट के इंस्टॉलेशन में मैं ये देखिए ये पहले इंस्टॉल कर रहा हूं यहाँ पे। ये मैंने कैसे लगाया आपको बता देता हूं। ये मेरा स्टीयरिंग व्हील है, आप समझ लीजिए यहाँ पे मैंने होल्डिंग पोजीशन है मेरी, ये सबसे बेस्ट होल्डिंग पोजीशन होती है क्योंकि इजिली आप पूरा टर्न कर सकते हैं। टर्निंग के टाइम में आप अपना जजमेंट इस तरह से पूरी तरह से कर सकते हैं। तो ये जजमेंट आपने, ये लेफ्ट जजमेंट मैंने कैसे, ये मार्किंग मैंने कैसे की है, अब आप समझ लीजिए आपका फुल डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड आपकी कार जितनी भी चौड़ी हो, छोटी हो, कितनी भी बड़ी चौड़ी कार हो, उसका डैशबोर्ड का हाफ पॉइंट आपने जजमेंट में ले लेना है। हाफ पॉइंट मतलब डैशबोर्ड, फुल डैशबोर्ड लेफ्ट से राइट का, उसका मिडिल पॉइंट होता है जो उसके थ्रू होते हुए आपने स्टेयरिंग का जहाँ होल्डिंग पोजिशन है आपका, सपोज आप 10 o'clock होल्ड कर रहे हैं, ये पोजिशन देखिए 10 o'clock और 2 o'clock, तो आपका लेफ्ट लेफ्ट जो होल्डिंग पोजिशन है वहां से आप देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड के मिडिल के थ्रू ऐसे, ये देखिए एंगल, और ये ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहां से मैं ड्राइव कर रहा हूँ या जहां से मैं आगे देख सकता हूँ, उस पोजीशन से आप देखिए डैशबोर्ड के मिडिल पार्ट से होते हुए ये लाइन मेरे स्टेयरिंग पर टच हो रही है। या आप वाइस वर्सा कर सकते हैं, यहाँ जो जहाँ होल्डिंग पोजीशन है वहां से होते हुए ये मिडिल डैशबोर्ड में कनेक्ट करना है और आगे थर्ड पॉइंट जो कि आपका कार के आगे कोई भी चीज है, 4 फुट की या 5 फीट की दूरी से आपकी कार से आगे 4 से 5 फीट की दूरी में कोई भी चीज है जिसमें आपने जजमेंट लगाना है, वो आपका होगा थर्ड पॉइंट। मतलब फर्स्ट पॉइंट ये जो कि 10 o'clock है, सेकेंड पॉइंट डैशबोर्ड का मिडिल पार्ट जिसमें मैंने देखिए आप एरो बना हुआ है, ये रेड टेप मैंने इंस्टॉल की है, वो आगे होते हुए डैशबोर्ड के मिडिल पार्ट अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ एक ब्लैक कलर का स्क्वायर शेप में एक टैग सा है, तो डैशबोर्ड जो लॉन्ग डैशबोर्ड होता है उसमें यूजली होता है वो। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट मेरा डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो आगे आपने जिससे जजमेंट लगानी है जो कि 5 फीट की दूरी में आपको दूर से दिख रहा है, जो विजिबल है आपको, जो आप ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो चीज दिख रही है उससे आपने ये 3 चीज जजमेंट लगानी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड उस पॉइंट पे। ये होगा आपका लेफ्ट साइड का जजमेंट परफेक्ट तरीके से। आप वहां से अगर जजमेंट लेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड से कार भी इजीली निकल जाएगी, आपको जजमेंट की परफेक्टली एक आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, अंदाजा लगाना आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे लगाना है, तो इसको इंस्टॉल करिए, आपका लेफ्ट का जजमेंट परफेक्ट हो जाएगा। कुछ दिन इसको करिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से राइट का जजमेंट करेंगे। इसी वीडियो में बताने वाला हूँ राइट, लेफ्ट और कम्प्लीटली जजमेंट। लेकिन आप कुछ दिन लेफ्ट का जजमेंट परफेक्ट करिए पहले, फिर अपना राइट का जजमेंट करिएगा। इससे क्या होगा कि आप एक चीज परफेक्ट करेंगे, सबसे ज्यादा परेशानी लेफ्ट के जजमेंट में होती है, तो जैसे ही आप उसको ठीक कर लेंगे और उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका लेफ्ट का जजमेंट परफेक्ट हो जाएगा।
फिर उसके अगले हफ्ते या दो चार दिन बाद आप राइट के जजमेंट का इंस्टॉलेशन करें। वो कैसे करना है वो भी बताता हूँ इसी वीडियो में। मैंने वही एक रेड टेप ली है, उसी को इंस्टॉल करूंगा मैं राइट जजमेंट के लिए। अब देखिए राइट जजमेंट का कैसे करेंगे हम, जो कि ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और ड्राइवर जो बैठा है कार के राइट साइड में बैठा है, तो हमें सामने अगर देखना है राइट का जजमेंट लेना है तो ये देखिए ये स्ट्रेट, ज्यादा हम डायगनली नहीं करेंगे। आप देखिए लेफ्ट वाला जो है थोड़ा सा तिरछा है, क्योंकि हम राइट साइड में, ड्राइवर जो बैठा है कार के राइट साइड में बैठा है, तो लेकिन लेफ्ट का जजमेंट जब लगाएगा तो वो तिरछा की तरफ देखेगा, मतलब थोड़ा सा डायगनली देखेगा। लेकिन वही चीज अगर राइट का जजमेंट करना होगा तो स्ट्रेट देखना पड़ेगा आपको, लगभग स्ट्रेट देखना होगा अपने राइट शोल्डर से। आप देखिए मेरा हैंड स्ट्रेट है, राइट शोल्डर से आप जब देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट होगा। तो ये समझ लीजिए मैंने ये जो रेड टेप लगाई है वो कैसे लगाई है। ये मैंने होल्डिंग पोजिशन मेरी कार की, आप समझ लीजिए ये होल्डिंग पोजिशन है। तो पहले जब मैं बताया था 10 o'clock, वैसे ही राइट हैंड आपका जो पड़ेगा 2 o'clock में, 2 o'clock का राइट जो आप पकड़ के रखे हैं, सपोज आपने स्टेयरिंग पकड़ा हुआ है, यहां से अगर आप देखेंगे इस पोजीशन से मैच करेंगे, नंबर वन ये हो गया, नंबर टू हो गया आपने जो स्ट्रेट पट्टी लगाई है जो कि स्ट्रिप है रेड टेप, उसको जजमेंट में लेते हुए वाइपर का एंड अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर टू होगा आपका। लेफ्ट में क्या था, डैशबोर्ड का मिडिल पार्ट था, राइट में क्या होगा, वाइपर का एंड पार्ट होगा। तो आपका राइट हैंड है जो, इसको अगर मेजरमेंट में लेंगे नंबर वन पॉइंट, नंबर टू पॉइंट स्ट्रेट जो पट्टी आपने लगाई है, जो स्ट्रिप लगाई है रेड स्ट्रिप, उसको लेते हुए थर्ड पॉइंट होगा आपका आगे जो भी चीज आएगी, जो भी पोजीशन होगी आगे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपसे आगे दिखता होगा, जितना भी दिखेगा आपको ये आपका, अगर इस पॉइंट से बाहर की तरफ कुछ है, मतलब ये जो आपने स्ट्रिप लगाई है इसके दाहिने तरफ कुछ भी आता है तो क्लियर है जजमेंट, आप आराम से निकाल सकते हैं कार को। वही चीज लेफ्ट में देखेंगे अगर, तो लेफ्ट में अगर ये स्ट्रिप अगर क्लियर है इसके बाहर की तरफ तो एकदम आपका पोजीशन सही होगा। अब आगे चल के चलते हैं, इसी के पार्ट टू वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि आपको एकदम पास में कुछ आता है तो उसमें आपने जजमेंट कैसे करना है, उसका भी इंस्टॉलेशन करेंगे। लेकिन उसको टेप जो है उसमें डिफरेंट टेप इंस्टॉल करेंगे, हम येल्लो कलर की टेप इंस्टॉल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो मैं दो पार्ट में करूंगा, हो सकता है तीन पार्ट भी हो जाए अगर मेरे को रोड लंबी मिलती है तो। अब देखिए मैं थर्ड जो पॉइंट इंस्टॉल करने वाला हूँ वो येलो टेप इंस्टॉल करूंगा। वो मैं कैसे करने वाला हूँ ये देखिए आप, इसको भी मैंने तिरछा लगाया है। तिरछा क्यों लगाया अब आपको समझना होगा कि मैं ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं देखता हूँ ड्राइवर राइट साइड में है, गाड़ी के कंप्लीट राइट साइड में बैठा है, और लेफ्ट का जजमेंट अगर लगाएगा तो तिरछा लगाएगा। और ये येलो टेप मैंने कैसे इंस्टॉल की है वो बताता हूँ आपको फ्रेंड्स। ये येलो टेप मैंने इंस्टॉल की है कंप्लीटली जो लेफ्ट साइड से जजमेंट है मिडिल पार्ट का, ये दो पॉइंट को हम लेंगे पॉइंट ए पॉइंट बी, मतलब कंप्लीट लेफ्ट डैशबोर्ड और मिडिल पॉइंट, ये दो पॉइंट ए और बी के बीच का जो पॉइंट है उसमें मैंने येलो टेप लगाई है, वो भी डायगनली। डायगनली वैसे ही लगाई है, आप देखिए अगर ये ड्राइविंग होल्डिंग पोजिशन है, यहां से अगर ऐसे तिरछा करेंगे ये जो पॉइंट था इससे लेफ्ट का जजमेंट आगे की तरफ, और ये येलो पॉइंट है जो लेफ्ट का जजमेंट कंप्लीटली आपके पास में जो कोई खड़ा होगा या कहीं पास से आप कार निकालेंगे, जैसे मार्केट में कोई होता है एकदम पास में आपके आ जाता है, उसका जजमेंट करने के लिए ये येलो टेप है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने इंस्टॉलेशन समझ लिया होगा, अब आप आगे चलते हैं इंस्टॉलेशन के बाद। अब आपको फ्रंट का जजमेंट बताता हूँ। फ्रंट के जजमेंट अगर हम करेंगे तो आप ये जो वाइपर देख रहे हैं जहां आपको विजिबल हो रहा है, इसके आगे कुछ भी विजिबल हो रहा है, कोई भी चीज कार का बम्पर अगर आएगा वो मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा बीच बीच में आपको, और साथ ही साथ आप लेफ्ट राइट लेफ्ट और कंप्लीट लेफ्ट का जजमेंट कंप्लीटली समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, किस तरह से हम करने वाले हैं और जजमेंट परफेक्ट कैसे होगा हमारा। तो हम कार आगे बढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, यहां से कार आगे बढ़ाते वक्त हमें ये देखना है, अगर आप देखिए लेफ्ट का जो मैंने वॉल का जजमेंट लगाया है, वॉल का जजमेंट अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड टेप है इसके साथ जो ग्रास है आगे जो प्लांट है उसको मैं मैच कर रहा हूँ, ये देखिए ये मैं मैच कर रहा हूँ उसको, उसके पास से मैं कार निकालने वाला हूँ। और येलो टेप जो अगर आप देखेंगे उसके पास जो है वॉल उसके बाहर की तरफ दिख रही है मेरे को, अगर एकदम पास में देखेंगे कार के एकदम पास में अगर देखेंगे तो वॉल जो है एकदम बाहर की तरफ है, तो मेरा लेफ्ट का जजमेंट परफेक्ट हो रहा है इससे। अब यहां से मैच करूंगा, देखिए आप ये जो बस आई है रेड टेप के बाहर की तरफ है, और बस को आराम से मैं निकाल सकता हूँ पास से, जैसे लेफ्ट अपनी कार को लेफ्ट रख रहा हूँ और अपनी कार आराम से मैं निकाल सका हूँ बस के पास से। अब आप ये देखिए सामने जो वॉल आ रही है, ये येलो वॉल जो आपको दिख रही होगी सामने में,
उसका जजमेंट मैं कैसे कर रहा हूँ वो देखिए। सबसे पहले 5 फीट की दूरी जब पहुंचे, अभी 20 फीट की दूरी है, 10 फीट की दूरी, ये देखिए 5 फीट की दूरी में जैसे ही हम पहुंचे हैं, अब आप देखिए मैंने ये जजमेंट लगाया है, रेड टेप को एकदम मैच कर लिया है। ये जो वॉल है लेफ्ट में जो आपको वॉल दिख रही होगी जिसमें पोस्टर्स लगे हुए हैं, अब आप देखिए वो वॉल को मैंने ये येलो ये रेड टेप में मिडल वाले रेड टेप से जजमेंट लगाया है और अब अपनी कार को आगे मूव कर रहा हूं। ये जजमेंट अगर आप देखेंगे तो मैं रेड टेप से कंप्लीटली पास से मैं अपनी कार निकालने वाला हूं और ये रेड टेप से जजमेंट लिया और जैसे ही हम पास पहुंचे थे तो मैंने ये येलो टेप से जजमेंट लगाया और कार अगर आप नोटिस करेंगे तो कितनी पास में है वो आपको दिखाता हूं मैं। मेरी कार कितनी पास में, अगर आपने स्टीयरिंग भी नोटिस किया होगा तो मैं किस तरह से मूवमेंट कर रहा हूं। अब यहां पे होल्ड करता हूं पोजीशन में, ये मैंने होल्ड कर लिया, अब आपको दिखाता हूं कितनी पास में मैंने कार खड़ी कर रखी है। ये देखिए रियर व्यू मिरर में अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस वॉल से और अपनी कार का डिस्टेंस आप देख सकते हैं। ये मैंने जजमेंट मिडल से लगाया है, कोई खड़ा भी होगा, एक जन खड़ा भी होगा तो उसका ही जजमेंट परफेक्टली नहीं हो पाएगा, मतलब गाड़ी टच होगी अगर कोई खड़ा भी होगा तो। अब आप देखिए ये जो येलो वॉल आ रही है इस येलो टेप से बाहर की तरफ है, लेफ्ट साइड में जो वॉल है ये येलो टेप से बाहर की तरफ है एकदम पास जब ले जा रहा हूं तो यहाँ भी नोटिस करिए पिलर से जजमेंट लगाया और ये देखिए येलो वॉल येलो टेप जो बाहर की तरफ हो गई है वहां से मैंने जजमेंट करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाया है। अब आप ये समझ लीजिए टू वे रोड में हम जब ड्राइव करते हैं तो उसका जजमेंट हम कैसे करने वाले हैं इस वीडियो में ये भी समझ लीजिए आप। ये देखिए सामने से ट्रक आ रहा है, मैं थोड़ा सा राइट की तरफ गया, अब कंप्लीट लेफ्ट आ गया हूँ और जजमेंट में ये देखिए ये रेड टेप से मैंने जजमेंट लगाते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाया है। तो ये था मेरा लेफ्ट का कंप्लीट राइट का कंप्लीट जजमेंट जब ट्रक आ रहा था। अब हम आगे बढ़ाएंगे रोड में, आप टू वे रोड है समझ लीजिए किस तरह से मैं कार को ड्राइव करने वाला हूँ। सामने से बस आ रही है, इतनी सी स्पेस है मेरे पास, उतनी सी स्पेस में मेरे को कार निकालनी है। इनफैक्ट लेफ्ट में और भी जगह थी, साइकिल थी मेरे जस्ट पीछे ऑलमोस्ट पास में, तो मेरे को लेफ्ट का भी ध्यान रखते हुए अपनी कार को कंप्लीट लेफ्ट करता तो साइकिल को भी स्लो डाउन एकदम इमरजेंसी रुकना पड़ता, तो मैं ये भी देखूंगा तो एकदम कंप्लीट लेफ्ट जाने की जगह है कि नहीं है। अभी देखिए टर्निंग में भी मैंने इसी तरह से जजमेंट लेते हुए टर्न किया है, दूर से जजमेंट अगर हम करेंगे टर्निंग में, हल्की सी टर्न है, स्लोप है, मतलब स्लोप नहीं है, मतलब हल्की सी कर्व वाली टर्न है। ये देखिए यहाँ पे जजमेंट मैं कैसे कर रहा हूँ, ये रेड से जजमेंट लगाया, अब पास में पहुंचे तो येल्लो के बाहर की तरफ है, तो मतलब मेरी कार एकदम पास से निकल रही है उसके, जैसे मैंने आपको वॉल के पास से दिखाया था। तो जैसा मैं कह रहा था आपको फ्रेंड्स, इस जजमेंट में मैं दो तरह की दो पार्ट में वीडियो डालने वाला हूँ, जजमेंट ये जजमेंट की वीडियो। ये देखिए इतनी सी जगह है मेरे पास, ट्रक आया, मैंने स्लो डाउन किया सेकेंड गियर लगा के, ये जजमेंट जैसे ही मेरे को मिला कि मेरे को क्लियर रोड मिली ये दोनों रेड के पास से, फिर मैंने मूवमेंट स्टार्ट कर ली है। तो इसी तरह से हम क्या है कहीं से भी जजमेंट करके निकालते हैं। अभी जैसे टर्निंग आ रही है, आप समझ लीजिए टर्निंग में मैंने क्या करना है, ये जो मिडल वाला टेप है लेफ्ट का जजमेंट का उसको मैं मैच करते जाऊंगा, फिर जैसे ही टर्निंग में पहुंचेंगे हम, जैसे हम टर्निंग में पहुंचते हैं तो येल्लो से मैं लेफ्ट का जजमेंट मैच करूंगा। जैसे ही टर्निंग करना स्टार्ट करेंगे हम, ये जो येल्लो टेप है मैंने आपको बताया था, ये येल्लो टेप से मैं जजमेंट करना स्टार्ट करूंगा फिर।